मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आईज नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीकवू था। कुछ अर्सा पहले ही उसकी डिवोर्स हो चुकी थी जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलवाने पोजान लेकर जाए और वो अपनी बेटी की बात पर एग्री भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर पोजान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग थे जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगुआ, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग जियोंच, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है एक लड़की वहां पर आती है जिसके पांव पर किसी के काटने का निशान था और देखते ही देखते मौके पर वो लड़की एक जोम्बी में चेंज हो जाती है और जोम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी जोम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ये वायरस बहुत तेजी से उस ट्रेन में फैलने लगता है जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के उस बॉक्स को जहाँ पर ये इन्फेक्शन फैला था छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं और अब वो जिस बॉक्स में जाते हैं वहाँ पर ये जोम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन के न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये जोम्बी इन्फेक्शन ना सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर्स सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही वो जोम्बी इन्फेक्शन बुरी तरह फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भगदड़ में लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को पोजान की तरफ ले जाने का सोचता है क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि चंद बचे कुछ शहरों में पोजान भी एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन एंटर नहीं हो सका। सीकवू, सेंगुआ और यंगगुक ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं और ये छह के छह लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर सेफ बैठे थे और जब ये छह लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुँच ही जाते हैं तो सेल्फिश COO यंगसुक उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये छह लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं जिसकी गर्ज से वो लोगों को भड़काता है और सब पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने नहीं देते। इस फाइट के दौरान सेंगुआ और इनगिल खुद को उन ज़ॉम्बीज के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन चारों को ये मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर आ जाने के बाद COO उन चारों लोगों को चेंबर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हों तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर इनगिल अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहां पर इन्फेक्टेड लोग थे और बस ऐसा होते ही वहाँ तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेंबर में आइसोलेट किया गया था और वो थे सीकवू, सुआन और सियोंग। इनके अलावा COO और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था जिसकी वजह ये थी कि उस स्टेशन की पटरियां बंद थी और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो COO एक बार फिर से खुद गर्जी का मुजाहिरा करता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर बचाता है जिससे वो अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश यंगसुक बच जाता है। अब यहाँ पर यंगसुक वैसे तो बच गया था लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और डेफिनेटली वो खुद भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बचे हुए उन लोगों पर अटैक करने कर देता है। सीकवू ज़ॉम्बी यंगसुक से लड़ता है लेकिन इस फाइट में यंगसुक उसे काट लेता है। सीकवू यहाँ पर समझ जाता है कि अब क्योंकि
क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है तो अनकरीब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है सीक्वो ने ज़ॉम्बी बन जाना था, तो जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सीक्वो काफी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली वोजान पहुंच जाती है और तब दो लोग स्वान और सियोंग वहां पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिफेंड कर रहे थे और उन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ॉम्बीज हैं और बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वान के सॉन्ग की आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइव है। स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जो वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उनको याद करके ये गाना गा रही थी। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।